हेलो एवरीवन, जोहार। वेलकम टू JCERT डिजी स्कूल। आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर इंडिजीनियस गेम्स ऑफ इंडिया का बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। एंड द फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका कि हमें आंसर देना है। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिजीनियस गेम्स। इंडिजीनियस गेम्स क्या है? तो इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, मीन्स ऐसा गेम जो कि किसी एक पर्टिकुलर देश में खेला जाता है। तो आंसर क्या होगा? इंडिजीनियस गेम्स आर दोज गेम्स दैट ओरिजिनेट इन अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिजीनियस गेम्स वो गेम्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर, किसी खास रीजन या देश से ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं, उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन, मीन्स वहाँ के सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, तो उन्हें कहते हैं इंडिजीनियस गेम्स। नेक्स्ट वन, दैट इज़ नंबर टू, व्हाट आर चेस ओरिजिनली कॉल्ड इन इंडिया। इंडिया में चेस को ओरिजिनली क्या बोला जाता था? तो क्या होगा? चेस वॉज ओरिजिनली कॉल्ड अष्टापद। चेस को ओरिजिनली क्या बोला जाता है? बोला जाता था अष्टापद। नंबर थर्ड, नेम अ पॉपुलर कॉन्टेक्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का एक पॉपुलर कॉन्टेक्ट स्पोर्ट, कॉन्टेक्ट खेल का नाम बताना है, दैट इज़ कबड्डी और हुतूतू इज़ अ पॉपुलर कॉन्टेक्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिया। कबड्डी या हुतूतू जो है वो इंडिया का पॉपुलर स्पोर्ट है, जिसमें कि क्या करते हैं, हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इसके बाद आता है, दैट इज़ फोर्थ नंबर, नेम द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम इन इंडिया। इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर टैग गेम कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? खो खो इज़ द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम इन इंडिया। इंडिया का सबसे पॉपुलर टैग गेम क्या है? खो खो। इसके बाद है, दैट इज़ नंबर फिफ्थ, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा। किसी को कबड्डी खेलना पसंद है, किसी को खो खो, तो किसी को चेस खेलना पसंद है। तो इसको सब आप लोग अपने अपने हिसाब से लिख लेंगे, दैट विच इज़ योर फेवरेट गेम। नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट कम्स, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ गेमिंग टॉप इन ब्रीफ। गेमिंग टॉप यानी कि लट्टू का जो गेम है उसका क्या रूल्स है, इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना है। All the players have to go for spinning the top at the same time for the toss. जैसे ही टॉस शुरू होता है, टॉस ख़त्म होगा, तो क्या होगा कि सारे प्लेयर्स को एक साथ लट्टू को घुमाना है, स्पिन करना है। It is decided by the top being spun and picked up quickest with a rope as quickly as possible. तो फिर क्या होता है कि डिसाइड किया जाता है कि वो जो लट्टू है वो घूमते रहता है, और फिर रोप के हेल्प से उसे जो जितनी जल्दी उठा लेगा वो उसका विनर यानी कि विजेता हो जाता है। आफ्टर दैट, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। दो कॉलम हैं, दैट इज़ कॉलम ए, सेकेंड इज़ कॉलम बी। कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं दोनों कॉलम में, आपको मैच करना है कि किसको हम कौन से नाम से जानते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कानामोची। कानामोची को क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक, पिट्टू गरम। तो पिट्टू गरम क्या होगा आपका? सेवन स्टोन्स। हुतूतू, हुतूतू क्या है? कबड्डी। आफ्टर दैट किट किट, तो इसका आंसर क्या होगा? हॉप स्कॉच। लट्टू, गेमिंग टॉप। इसके बाद आता है कंचा गोली, तो ये हम सभी जानते हैं ये क्या होगा? मार्बल। तो आपको खुद से कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करके अपने नोटबुक यानी अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ब्लैंक्स को भरना है टेक्स्ट बुक के हेल्प से। फर्स्ट इज इंडिजीनियस गेम्स आर। इंडिजीनियस गेम्स जो है वो क्या होते हैं? नेटिव टू अ रीजन, किसी एक रीजन का होता है। इसके बाद है नंबर टू, द डैश इज़ अ स्मॉल ओवल शेप पीस ऑफ वुड। एक छोटा सा ओवल शेप पीस ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो क्या होता है? गिली। थर्ड, देयर आर डैश प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी। कबड्डी के एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? सेवन। नंबर फोर्थ, द गेमिंग टॉप इज़ मोस्ट पॉपुलर अमंग। गेमिंग टॉप यानी लट्टू का जो खेल है वो किनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है?
बॉयज़, लड़के लट्टू का खेल ज़्यादा खेलते हैं। फिफ्थ, अ चेस बोर्ड हैज़, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 64। इसके बाद आता है गेस द गेम। कुछ गेम्स के नाम हमें गेस करना है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। लाइक प्लेड विथ 7 स्टोन्स, कौन सा गेम है जिनको कि हम 7 स्टोन से खेलते हैं? नंबर 2, कॉरी शेल्स आर यूज फॉर मूवमेंट, कौन सा गेम है जिसमें कि कॉरी शेल्स का यूज़ होता है? 3rd, अ गेम विथ 7 मेंबर्स इन ईच टीम, कौन सा गेम है जिसमें कि हर टीम में 7 मेंबर्स होते हैं, बोथ टीम में 7 मेंबर्स? नेक्स्ट वन, दैट इज 4th वन, चिल्ड्रन हॉप ऑन 1 leg, कौन सा गेम है जिसमें बच्चे एक पैर पे कूदते हैं? लास्ट वन, प्लेड विथ 5 पीसेस ऑफ स्मॉल स्टोन्स, स्मॉल छोटे छोटे पत्थर के 5 पीसेस के साथ, 5 टुकड़ों के साथ खेला जाता है, तो ये कौन सा गेम है? तो स्टूडेंट्स, ये सारे गेम्स का नाम आपके बुक में दिया हुआ है, आप एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लें और फिर इनको भर दें। तो आई होप यू ऑल कैन डू। नाउ वी हैव होमोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग। होमोनिम्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिनका कि सेम स्पेलिंग होता है, सेम प्रोनंसिएशन होता है, लेकिन उनका मीनिंग दूसरा होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको एक्सरसाइज में यही करना है। क्या है एक्सरसाइज? नाउ यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द डिफरेंट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका डिफरेंट अलग अलग मीनिंग होता है, तो आप डिक्शनरी की हेल्प से इनका मीनिंग ढूंढ के लिखेंगे। दो दो मीनिंग्स, फर्स्ट वन इज़ कैन, सेकेंड मार्बल, थर्ड प्ले, फोर्थ इज़ वॉच, फिफ्थ इज़ टॉप। तो आप डिक्शनरी की हेल्प से इनका मीनिंग लिख लेंगे। तो जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ कराए गए हैं, कुछ यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। थैंक यू।